वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट जो है परेशान हो रहा है कि सर सीजीएसएल 2018 वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं, जिनका मैं पूरा मान लीजिए पूरा सेशन ही कवर हो रहा है, उनके हर एक बातों का ध्यान रखा जा रहा है। सीजीएसएल 18 के कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं, बार बार कमेंट आ रहे हैं, सुमित हो गए, कई सारे कैंडिडेट हैं जो कमेंट कर रहे हैं बार बार, जो हमारे पुराने कैंडिडेट वो जुड़े हुए हैं एकदम चैनल से, कि सर क्या इसका असर पड़ेगा, प्लीज सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, आप इतने वीडियो बना रहे 2019 के लिए, तो सर एक वीडियो इस पर भी बताइए, क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा। सर बोल रहे हैं कि सर बहुत से यूट्यूबर बोल रहे होंगे, जहां से मैंने सुनने में आया हो कि 2018 की कट ऑफ भी हाई जाएगी क्योंकि 2019 की गई। पहली बात तो बिना सिर पैर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। 2018 एक अलग सिनेरियो था, 2017 एक अलग था, और 2019 एक अपना एक अलग सिनेरियो। तो चीजों को बहुत विध्वस्त से विद डेटा बात होती है, आपको पता है कि सर किस तरीके से बात करते हैं। बहुत से कैंडिडेट अप्रिशिएट भी करते हैं कि सर आपके फैक्ट्स बहुत सही होते हैं, आपका बताने का तरीका भी सही होता है। मेरा सीधा सा है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो आप चीजों को समझें, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद कमेंट करें, लाइक डिसलाइक वो आपकी मान लीजिए आपका स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन आप पहले चीजों को समझें विद डेटा, ठीक है। कोई प्रिडिक्ट इस चैनल पर कभी नहीं होता, ना मैंने 2019 की प्री कट ऑफ इसीलिए प्रिडिक्ट की थी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का झमेला है। अगर मैं प्रिडिक्ट करता भी हूं तो साफ साफ बोलता हूं कि ये प्रिडिक्शन नहीं, मैं ये बहुत से मैंने देखा यूट्यूबर बोलते थे अरे इतने नंबर है आपके, अब तो आप सेफ, टेंशन ना लो। इस बार जिसके 150 नंबर वो भी बाहर हो गया, वो उनको जो है गाली दे रहा कि आप तो कह रहे थे कि सेफ है, अब तो हम यहाँ पर अनसेफ हो गए, बिल्कुल बाहर कर दिए। तो किसी के दिल में इतनी भी उम्मीद मत जगाओ, जब तुम सब जो है सिक्सेंस पर काम कर रहे हो, तुम एक अप्रोच कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए मैं यूट्यूबर से बोलता हूँ कि यार थोड़ा सा सोच समझ के विद डेटा फैक्ट बात करो कि यार आप इतने से इतने ज्यादा नंबर लाओ, ज्यादा से ज्यादा नंबर की बात करो, क्यों बोलते हो कि 55 नंबर ले आओ सिलेक्शन हो जाएंगे, है ना। तो चीजों को उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डेटा पर, ठीक है। तो अगर हम लोग समझे चीजों को, मैंने केवल प्री कट ऑफ ली उस पर आपको बात करता हूँ, 17 की लिखी हुई है या आपकी 19 की अभी जो गई है 18 की, ठीक है। कैंडिडेट्स क्या है वो सबका रेशियो वही है 45 के आसपास, ठीक है, उस पर कोई मुद्दा है नहीं। तो अगर हम लोग बात करें 2018 की आपसे ही उठा लेते हैं, तो 2018 में आपकी जाती है 135.60, ठीक है, ये आपकी जाती कट ऑफ। ये किससे कम है, आपकी 17 से भी कम है, कितने नंबर देख सकते हैं आप, 8 नंबर का, ठीक है। 0.50, 0.60 कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 8, 5, 13 तो ये आपका बन जाएगा, 8 नंबर यहां कम है, यहां पर भी कितनी कम है उसी तरीके से 12 नंबर कम है, एससी की 12 नंबर कम है, एसटी की आप देख सकते हैं भी 11 नंबर कम है, 12 नंबर सॉरी 12 से 13 नंबर कम, यहां ओबीसी की देखिए 5, 6 नंबर कम है, ईडब्ल्यूएस की यहां नहीं है, 2017 में थी, ठीक। तो चीज वो भी इसी तरीके से कम होती, 7-8 नंबर। अब यहाँ क्या हुआ कि 2019 में कट ऑफ जाती है 159.52 और यूआर 2018 में 135.52, तो क्या इससे इसका कोई असर पड़ेगा, आप मुझे बताइए। इसका जो कैंडिडेट डेटा मैंने लिख केवल आपको समझा, इसे कुछ समझाना थोड़ी ना, समझ तो आपको सब पता है, आप खुद इतना सब चीजों को देख रहे कटाव, आपको सबकी पता है इसकी कितनी की, इसकी कितनी की, इसकी कितनी की, है ना। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का ये है चीजों को समझे कि इसका जो कैंडिडेट था, कैंडिडेट भले ही सेम हो, देखो कैंडिडेट से कोई लेना देना, जो एसएससी के यहां पर समझते हैं, जो एसएससी के डेटा में आया, डेटा का मतलब भाई ये सब डेटा पर काम होता, तुम्हारे बताने या ना बताने से, किसी यूट्यूबर के बताने से या ना बताने से कट ऑफ हाई लो नहीं जाती है, ये आप बात समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या चीजें, यहां जो था नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बढ़ा या पेपर सरल रहा या कुछ लोग बोले करप्शन हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। लेकिन एसएससी ने जब डेटा उठाया, ठीक है, जब डेटा उठाती है एसएससी, तो उसने देखा कि 160 के ऊपर बहुत लड़के उनको मिल गए। भाई देखो कट ऑफ का मतलब कहां से बनती है, जहां उनका एक सिनेरियो मान लीजिए 45,000 उन्हें कैंडिडेट बुलाना है, ठीक है, तो 45,000 कैंडिडेट उन्हें जहां मिल गए जिस कट ऑफ पे, वहां से वो उठा लेंगे, उन्हें इससे लेना देना नहीं है कि 200 में 180 नंबर कट ऑफ जा रही, 200 में 170 नंबर जा रही, वो डेटा पर काम करते हैं, वो आपके इससे मतलब नहीं। कल को 190 भी जा सकती, तो ये भड़बड़ा मत जाना कि यार। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 2019 की तो सीजीएल की भी 190 जाएगी, अरे भाई ऐसा कहीं कुछ नहीं, वो
सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या थी, वो कैंडिडेट्स क्या थे, वो नंबर क्या थे, मेन होता है स्कोर। कैंडिडेट्स भी कोई लेना, कैंडिडेट्स क्या है क्या, किसी कैंडिडेट्स के मैं बता दूं, किसी के किसी एग्जाम में 170 नंबर आते, क्या पता अगली बार होते तो 150 ही है। तो देन और सिचुएशन, वन डे एग्जाम में बहुत सी चीजें रहती है, तो चीजों पर आप ये मत सोचिए। तो डेटा पर काम होता है, इस बार कैंडिडेट्स के नंबर ज्यादा थे, नॉर्मलाइज स्कोर ज्यादा था, किस वजह से उसकी इतनी कटाप चलेगी। जरूरी थोड़ी ना कि सीजीएसएल 2020 की भी इतनी जाएगी, या अभी से यूट्यूबर प्रेडिक्ट कर लगा रहे कहीं 165 जाएगी। आप मुझे बताइए, यही यूट्यूबर प्रेडिक्ट करने वाले सीजीएसएल 17 में जब 143 गई थी तो बोल रहे थे कि अगली बार कटाप 150 जाएगी। समझ लेना चीजों को, 150 जाएगी, कटाप कितने की 135। अब इनसे क्या करोगे, इन्हें आप बोली तो मान नहीं देते, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार है ना, व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है ना, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब बोलने की स्वतंत्रता काम है। आप डेटा, भाई एसएससी की इस बार डेटा मिला 18 में कि भाई कैंडिडेट कम नंबर है, क्या कम नंबर बोल रहे उठा ली। तो इन चीजों को आप समझिए, बिना सिर पैर की बात मत करें, किसी भी यूट्यूबर को गुमराह ना हो। सीजीएसएल 2019 उससे कोई लेना देना, इसका डेटा सिनेरियो अलग था, 17 का सिनेरियो अलग था, 18 का अलग है, और 18 की 17 से कम ही जाएगी, कटाव हमने प्रेडिक्ट कर रखी है और उसी में जाएगी। इतनी अच्छी तो विंडो ली, विंडो में ही घूम जाएगी, और ज्यादा थोड़ा बहुत नहीं, तो उससे वो थोड़ी हम कभी कटाव ये थोड़ी नहीं कितने आप सिर्फ एक आपको डेटा दिखाकर चीजें पूरी बताते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि अलग हो 2018 वालों से, फिर मैंने बोला अगर 2018 वाले कैंडिडेट्स 19 में, तो पूरी शिद्दत से मेरे भाई इसमें भी लग जाओ, तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का काम लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजों को समझ गए, रुकना नहीं है, कभी भी रुकना नहीं, 19 में हो जाए रुकना नहीं, सीजीएल की तैयारी करो, कहीं अपने राज्य की देखो, 2400 ग्रेड पर पूछे, कभी आप 2500 पूछे, फिर 4200 पूछे, रुकना थोड़ी ना, जब तक आपको मतलब एक सफलता ना मिल जाए, है ना, सफलता तो आपको मिल जाएगी लेकिन दिल को सुकून, सुकून कब मिलेगा, किसी को मान लीजिए अब वहां भेज दिया, चेन्नई डला हुआ है, तो अब उसको वहां बेचारा बड़बड़ा रहा, तो अगली वैकेंसी तब तक उसकी क्लियर होगी, तो वहां से तुरंत एनओसी लगा के रिजाइन देके चला आएगा। तो ये चीजें बेटा रहती है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीजों को समझ गए। सीजीएल 2018 वाले कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, जितने भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो इस बात से मेरी सहमत हो गए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट में यार थैंक्स तक तो लिख दिया करो, अगर कोई बात समझ, लाइक ये सब कुछ नहीं होता, आप थैंक्स लिख सकते हैं, आप अपनी कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। अब देखो कमेंट्स में, अब आप लोग पहले देखो कम कमेंट आते थे, तो मैं जल्दी जवाब देता, थोड़ा सा यार समय लग सकता है चीजों पर, हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो 2018 वालों ने कर ही लिया है। तो इसी उत्साह और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मैथ वीडियो।